कांग्रेस में किसी योजना का लाभ मिला तो? मैं सबसे पहले कांग्रेस में जो है ना नाच कांग्रेस सरकार ने बांटा। अस्पताल हमारे यहाँ अस्पताल जो है ना कांग्रेस के जमाने की है, स्कूल कांग्रेस के जमाने का है, रोड कांग्रेस के जमाने का है, और तालाब जो बना मानसरोवर सब गाँव के पानी पी रहा वो भी कांग्रेस के जमाने का है। समझ में? सुधा चौधरी जो होती है डालेंगे। काला धन भी कहाँ निकला है? काला धन कहाँ है? वो काला धन बताओ, पल रहा है उनकी कुटियों का ठेका लेते हैंगे। अरे तो कहाँ काला धन मर देते ये कुछ नहीं था साहब, काहे को बातों में लगे हो? नीरव मोदी लेके भग गया करोड़ों रुपए कहाँ गए? कांग्रेस की है देन, कांग्रेस ने भगा है। लोन किसके शासन में मिला? उन्हीं का रिश्तेदार है, मोदी का रिश्तेदार है। कांग्रेस के शासन में लोन मिला है? कांग्रेस के शासन में वो तो वापस लेके आ रहे हैं। 15 लाख रुपए चाहिए, कहाँ है? उन्होंने बोला था 15 लाख रुपए देंगे। और कुछ लोग इधर भी है। हाँ जी भाई साहब, क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया, खुल गया? हाँ खुल गया। क्या माहौल है ग्यारसपुर में? ग्यारसपुर में माहौल बढ़िया। और चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल की तो अभी जानकारी नहीं है, अभी तो रोजे की जानकारी है, रमजान चल रहा है। अच्छा, ईद के बाद में जानकारी लेंगे। ईद के बाद लोगे? और क्या क्या माहौल है? तो घूमने लगे होंगे अभी से, शिवराज है एक तरफ से, भानु प्रताप है। अभी ना शिवराज जी आए अपने, ना अपने प्रताप भानु शर्मा जी आए। हाँ, तो लग रहा है कि टक्कर होगी कि नहीं? कुछ टक्कर तो चुनाव में हर साल होती है, जब भी चुनाव होते हैं इस बार भी होगी। और क्या नहीं, टक्कर होना तो है अगर चुनाव फाइट का हो। अब वो क्या टक्कर जब 4-5 लाख से पिछली बार चुनाव विदिशा में बीजेपी जीत जाएंगे तो कौन जो आप कह रहा है वो जीत जाएंगे। सुना तो लग नहीं रहा है क्या कुछ माहौल? वो तो लग रहा है, वो तो वक्त बताता है, वो तो है। क्यों जी भाई साहब क्या हो गया, क्यों गुस्सा हो रहे हो? मोदी जी को 15 लाख रुपए कहाँ पे? ये कुटीर बन रही है, कहाँ है? काय को? खाते में बहनों के लाड़ी बहनों के में आ रहे, वो कहाँ है? मोदी जी ने कहा था 15 लाख देंगे हम। कहा कि 15 लाख? यही तो 15 लाख मिल रहे, सबके खातों में आ रहे हैं, किसानों को निधि मिल रही है। लड़ थोड़े, हम तो मुझे 15 लाख चाहिए हमें। क्या नाम आपका? हीरा लाल कुशवाहा। हीरा लाल जी को चाहिए 15 लाख, आप बता दो आप 15 लाख कब मिले? 15 लाख का पूरा आवास योजना ये सब चीज मिल रही है, जिस देने की बात की थी 15 लाख नगद देने की बात नहीं की थी कि 15 लाख हम नगद देंगे। हाँ, उनने ये बोला था कि विदेशी बैंक में काला धन इतना जमा है, यदि वो वापस आ जाएगा तो देश के हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए तक मिलेगा। ये नहीं कहा था डालेंगे? काला धन भी कहाँ निकला है? काला धन कहाँ है? वो काला धन बताओ, पल रहा है उनकी कुटियों का ठेका लेते हैंगे। अरे तो कहाँ काला धन मर देते ये कुछ नहीं था साहब, काहे को बातों में लगे हो? नीरव मोदी लेके भग गया करोड़ों रुपए कहाँ गए? कांग्रेस ने भगा है। लोन किसके शासन में मिला? उन्हीं का रिश्तेदार है, मोदी का रिश्तेदार है। कांग्रेस के शासन में लोन मिला है? कांग्रेस के शासन में वो तो वापस लेके आ रहे हैं। 15 लाख रुपए चाहिए, कहाँ है? उन्होंने बोला था 15 लाख रुपए देंगे। अरे उनकी बदौला तो क्या, तुमसे कुटीरों का 2700 समर्थन मूल जो था किसानों का मिला क्या? नहीं मिला। महिलाओं के लाने 3000 मिले क्या? नहीं मिले। कम मिलेंगे भाई, आज 1250 रुपए मिल रहे। धीरे धीरे उनने बोला था सबको बढ़ा के देंगे, तो बढ़ा के दे रहे हैं। हर साल बढ़ाएंगे? हर साल नहीं बढ़ाएंगे, हर महीने बढ़ाएंगे, 2-4 महीने में। एक नहीं बोला, 3000 किसानों को 2700 मिलेंगे, वो ही मिले जो के। तो जनता को हराम का पैसे नहीं देंगे, जनता को योजना का पैसा दे रहे हैं, वो लाभ दे रहे हैं कि लाभ दे रहे हैं, लाभ दे के उनको कर रहे हैं। अरे सर, जब से ये बीजेपी सरकार आई है, जब से केरोसिन बंद कर दिया, गरीबों के घर में चूल्हे नहीं, बत्ती नहीं जल रही, बत्ती लाइट लाइट के आ रहा है, देखना पक्के लगवाए ना ले रहा है। तुम झूठ मत बोलो, सब मिलता है तुमको, नहीं झूठ मत बोलो सर। नहीं चल कर रहा, फ्री सामान ले रहा है, फ्री सामान दे रहे, फ्री ना है तो आज के जमाने से मिल रहा है। 2 करोड़ पीसी से कुछ नहीं होता, क्या होता है? 10 लाख मिलने लगा के ना। 1 मिनट इनसे ये पूछो, दिग्विजय सिंह के शासन में ग्यारसपुर से विदिशा जाने के कितना टाइम लगता था? 2 घंटे लगते थे। एक मिनट। क्या नाम भाई साहब आपका? रहमत अली। सच सच बताना, ये पूछ रहे हैं ग्यारसपुर से विदिशा जाने में कितना टाइम लगता था? 18 साल में कुछ ना कुछ संशोधन तो होगा कि नहीं? टाइम बता दिया आप, टाइम 18 साल में संशोधन इतना ही हो पाया? 1 घंटे में आ पा रहा है अकेले? मैं बता रहा हूँ, 18 साल में लाइट कितनी मिलती थी इनके शासन में? इनके राज में सुविधा मिलेंगी तो पैसा खर्चा तो होगा भाई साहब, सुविधा यदि मिलेंगी तो पैसा खर्चा होगा।
इनका ही बिल कितना आया मुझे सर, इनका बिल खुद का तो मिल रही है ना, सुविधा तो मिल रही भाई मुझे क्या नहीं, सब योजना का लाभ मिल रहा है, इनको भी मिल रहा है। इनकी जो सोच वो येगी, इनको तो हर चीज में इटली का चश्मा लगा है। क्यों दिया? पूरे जमाने में रोड है, ये कह रहे हर मामले में इटली का चश्मा लगा है। इटली का चश्मा तो लगाएंगे ये, इटली का। अभी अपने मानसरोवर देख लो जाके क्या हालत है, माला देवी जाके देख लो, रोड देख लो आप। बीजेपी में पूर्व विधायक बीजेपी में क्यों आ गए, जिला अध्यक्ष क्यों आ गए, आप पूछो क्यों आ गए। अरे डर नहीं रहा उन्हें, बीजेपी के भी तो कांग्रेस में जाते हैं। राहुल गांधी के साथ लुटिया मन जाएगी, इसलिए मोदी जी के कांग्रेस में जाते हैं, उससे क्या जैसे जहाँ जाना जा सकता है। अरे भविष्य नहीं है कांग्रेस में। अरे तो बीजेपी में कहाँ का भविष्य है, मामा खुद नीचे डूबती नहीं है कांग्रेस, खुद नीचे आ गए सीएम से नीचे। सुनो, इनने कांग्रेस के शासन में क्या क्या लाभ लिए, एक आध लाभ गिनवा दें हमें। और बीजेपी में, बीजेपी की मैं बता दी है, जब कांग्रेस में किसी योजना का लाभ मिला तो मैं सबसे पहले कांग्रेस में जो है ना, आज कांग्रेस सरकार नहीं बांटा अस्पताल, हमारे यहाँ अस्पताल जो है ना कांग्रेस के जमाने की है, स्कूल कांग्रेस के जमाने का है, रोड कांग्रेस के जमाने का है, और तालाब जो बना है मानसरोवर सब गाँव के पानी पी रहा वो भी कांग्रेस के जमाने का है। समझ में, सुधा चौधरी जो है, सुधा चौधरी जो इट इज रॉन्ग मैन सन, रॉन्ग यस, इट इज रॉन्ग मैन सन यस। ये सब हुआ है बीजेपी के शासन में यार भाई साहब, कांग्रेस उनसे पूछो, कांग्रेस के शासन में यार पुराने लोगों से दिग्विजय सिंह के काल में 2.5 घंटे लगते थे भारत पर बिजली तक पहुंचने में, इतने डच के इतने रोड खराब थे कि इसकी कोई हद नहीं। गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढा आएगा? सीएम सीएम राज के लाने हमने दोनों भाइयों ने हड़ताल रखी, मगर वो उगर में जगह मिली, ग्यारसपुर में जगह नहीं मिली सर, कांग्रेस ही जगह नहीं दे रहे, जगह नहीं ग्यारसपुर में, कांग्रेस ही जगह नहीं दे रहे। 18 साल से मामा जी रह रहे हैं, मुख्यमंत्री बन गए, सीएम राज स्कूल बना तो है, भले ही हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर बना है, बना तो है, प्रोटेस्ट तो हुई है ना, आप ये तो मानो इनके शासन में। ग्यारसपुर में मांग करी थी हड़ताल के लिए, हम भाई बैठे थे साथ, हमारे पास इनके जब विधायक वन में, इनके जब विधायक चुनाव लड़ रहे थे, उनने बोला था हम कॉलेज लेके आएंगे, मंडी लेके आएंगे, कुछ लेके नहीं आए, कुछ लेके नहीं चली गई। अपने क्या हुआ? चलिए 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 चलिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, थोड़ा थोड़ा शांत, शांत हो जाइए थोड़ा। अब आखिरी मैं सवाल पूछूंगा, सर्वे करता हूँ कि जीतेगा कौन विदिशा में जी बच्चा, एक एक करके बताइएगा, बताइए मामा बताइए, मोदी जीतेंगे, बताइए शिवराज मामा और मोदी, मोदी शिवराज सिंह चौहान बीजेपी, मोदी कौन भाई साहब? नहीं बोल सकता मैं किसी पार्टी की तरफ हूँ ही नहीं। अच्छा। ए, सारे लोग धर्म और जाति के नाम पर बोल रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगा किसी आप की किस नाम पे बोल रहे हैं आप बताइए, कौन जीतेगा? बोलो जीतेगा वो पंजे जीतेगा, वो कोई जीतेगा और का